आज हम बनाने वाले हैं वेज मेयो स्वीट कॉर्न। बहुत ही टेस्टी होते हैं और एकदम क्विक रेसिपी होती है, तो जब भी आपका खाने का मन करे फटाफट से आप इन्हें बना सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इनको बनाने के लिए। सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बटर और फिर हमें इसमें ऐड करना है स्वीट कॉर्न, जो कि उबले हुए लेना है आपको, तो या तो आप पहले से उनको उबाल कर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितना आपको तैयार करना है बना के, उतनी क्वांटिटी में आप ले लीजिए। मैंने लगभग यहाँ पे 1 कप लिए हैं और इनको बटर के अंदर डाल दिया है। और अब आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है इसके अंदर और इसको मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए आपको इसी के साथ पकाना है। इसकी वजह से, जो बटर और नमक की वजह से, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इसी के साथ में अच्छे से आपको पका लेना है, जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लग जाए और साथ ही साथ जो इनके दाने ना एकदम अच्छे से फूले फूले आपको दिखने लग जाएंगे और एकदम सॉफ्ट, एकदम फ्लफी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, एकदम फूले फूले दाने दिख रहे हैं इनके। और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है आपको, बिल्कुल भी इनको हार्ड नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट ही रखना है। तो बस अभी हो गए हैं तैयार। गैस की फ्लेम को बंद करके और किसी भी बाउल वगैरह में आप निकाल लीजिए। जल्दी से हमारे स्वीट कॉर्न जो है बनके तैयार भी हो जाएंगे। तो देखिए, बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। अब थोड़ा सा इसमें स्पाइसी देने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च जो बारीक चौकी हुई है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में बारीक चॉप किया हुआ मैं ऑनियन ऐड कर रही हूँ, लगभग 1 से 2 चम्मच, या फिर आप बिल्कुल एक छोटी साइज का प्याज काट सकते हैं और इसमें मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गाजर है या फिर शिमला मिर्च, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नॉर्मल डाला है यहाँ पे। तो थोड़ा सा प्याज के बाद में रेड चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच लगभग, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे ओरिगेनो डाल दिया है। और इसके बाद में यहाँ पे वेज मेयो डालनी है। वेज मेयो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप मेयो यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा एकदम क्रीमी इसका जो टेक्सचर हो जाएगा और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस देख लीजिए, फटाफट से हमारे स्वीट कॉर्न बनके रेडी हो गए हैं। अब थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली जो बारीक चॉप की हुई थी वो और डाल दिए, और थोड़ा सा ओरिगेनो, और सब कुछ तैयार है।